तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंट्रैक्टर, राइट? कंट्रैक्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए काफी इजी एक मेथड है, राइट? आई विल टेल यू कि इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। जो हमारा टाइम एंड वर्क है ना, इसमें एक बेसिक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? M1 D1 H1 अपॉन M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ये एक फॉर्मूला है कि आप याद कर सकते हो, बस एक ही फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला नहीं है टाइम एंड वर्क में। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसे बताऊंगा तो समझ कम आएगा, फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। M1 होता है अगर M1 मैन D1 डेज तक काम करे, और डेली H1 आवर्स काम करे, HRs है, D डेज है, M मैन है, और वो W1 वर्क कर पाते हैं। तो M2 लोग D2 डेज तक अगर डेली H2 नंबर ऑफ आवर्स काम करेंगे तो वो W2 वर्क कर पाएंगे। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, मान लीजिए 20 आदमी 20 मैन 10 डेज तक सपोज डेली 8 आवर्स काम करें, और उन्होंने वर्क किया सपोज करो 1 वर्क किया, ठीक है? तो अगर मुझे 2 वर्क कराना हो और डेली 16 घंटे काम करें, और मेरे पास 40 आदमी हो, 40 मैन हो, तो कितने दिन लगेंगे अगर कोई ऐसे पूछे? तो ये होगा मेरा M1, ये होगा मेरा D1, दिस इज H1, दिस इज W1, ठीक है? ये M2 है, D2 मुझे निकालना है, H2 ये है, और W2 ये है। इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना होता है, कुछ नहीं करना होता। 20 आदमी है तो M1 हो गया 20 इंटू D1 हो गया 10 डेज इंटू H1 हो गया 8 घंटे काम करते हैं अपॉन W1 का मतलब है 1 वर्क, तो नीचे 1 लिख दो, ठीक है? दैट शुड बी इक्वल टू M2, कितने 40 लोग लगाए हैं, कितने दिन तक काम करेंगे वही निकालना है। D2 इंटू H2 कितना है, रोज 16 घंटे काम कर रहे हो, अपॉन वर्क कितना करा रहे हो, वो 2। इसे सॉल्व करने से जो भी वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी योर D2। लाइक 20 से इसे काटू तो 2 पे कटेगा, 2 से ये कटेगा, 8 से ये कटेगा, 8 दूनी 16, और ये कटेगा 5। इट इज गोइंग टू बी D2 इज 5, मतलब 5 डेज लगेंगे उस काम को, मतलब डबल वर्क को, 2 वर्क को करने में, अगर 40 लोग रोज 16 घंटे काम करेंगे तो। M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अब कुछ केसेस में इसमें H जो है आवर्स वो सेम भी हो सकता है, तो उस केस में H कैंसिल हो जाता है दोनों साइड, बिकॉज H H मतलब सेम नंबर ऑफ आवर्स अगर वो काम कर रहा है, ठीक है? तो H की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी, वो कैंसिल हो जाएगा। एंड वर्क अगर सेम है तो W की भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी। बेसिकली हम इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर के क्वेश्चन है उनमें। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 124 डेज का काम है। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और 120 बंदे लगा दिए, ठीक है? आफ्टर 64 डेज, यानी 64 डेज तक तो 120 मैन ने काम किया, ही फाउंड दैट ही हैज ऑलरेडी डन 2/3 ऑफ द वर्क। अब हाउ मेनी मैन कैन बी डिस्चार्ज सो दैट द वर्क मे फिनिश ऑन टाइम, मतलब कितने बंदे वो हटा दे ताकि काम टाइम पे हो जाए। अब देखिए, अब इसमें है M1 D1 W1 H1, तो है नहीं क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स गिवन नहीं है, तो वो सेम मानेंगे। तो हमारा फॉर्मूला M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2 हो जाएगा। बट फिर भी मैं पहले लिख दूं, इसने 120 बंदे लगाए हैं, ठीक है? इसने D1 यानी 64 डेज तक काम किया, और W1 का मतलब है 2/3 वर्क कर दिया। अब M2 देखना है कितने बंदों की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ डेज देखिए, क्योंकि टोटल 124 दिन थे, 124 में से 64 डेज तो इन्होंने काम कर लिया, तो अगर मैं ये माइनस करूं तो 60 डेज बचे, तो ऑब्वियसली M2 लोगों को 60 डेज तक करना पड़ेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी D2, ये D2 होगा। एंड W2, यार अगर 2/3 वर्क हो चुका है, जब भी फ्रैक्शन में वर्क होता है ना तो टोटल वर्क 1 होता है, तो 1 में से आप 2/3 माइनस कर दीजिए, सो दिस विल कम आउट टू बी 1/3। इसका मतलब है 2/3 अगर काम हो चुका है, ये W1 है, तो W2 होगा 1/3, 1/3 वर्क बचा है। ये D1 है, ये M1 है, M2 हमें निकालना है। नाउ आर फॉर्मूला इज M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2।
एच क्या है इसमें, कैंसिल हो गया है बोथ साइड क्योंकि सेम नंबर ऑफ आर्ट्स हैं, बिकॉज नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट नंबर ऑफ आर्ट्स, बस वैल्यूज डालिए M1 की जगह 120, D1 की जगह 64 अपॉन W1 की जगह 2/3 वर्क हुआ है, दैट इज इक्वल टू M2 निकालना है उसकी वैल्यू पता नहीं है, D2 पता है 60 अपॉन W2 क्या है 1/3 वर्क आपको करना है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 60 से ये कट जाएगा 120 पे, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो M2 आएगा 64, ठीक है। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, 64 इज नॉट द आंसर, क्यों? क्योंकि M2 का मतलब है मुझे 64 लोग चाहिए, अगर 64 लोग 64 लोग, ये जो 64 नंबर आया, ये 64 लोग 60 दिन तक काम करते रहेंगे तब 1/3 वर्क होगा जो बचा हुआ है, और मेरे पास बंदे कितने थे 120, तो आपको इस 120 में से 64 की जरूरत है, तो बाकी के कितने बचे बॉस 56, ये 56 लोग यू हैव टू डिस्चार्ज, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D नॉट A। कुछ लोग A पे भी मार्क कर सकते हैं बट दैट इज इनकरेक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि जो लोग आए हैं, जो M2 निकला है, उतने बंदों की 64 लोगों की मुझे जरूरत है। उसने पूछा कितने आप डिस्चार्ज कर सकते हो आपने, क्योंकि 120 बंदे एम्प्लॉय किए थे ना उसने, 64 डेज तक 120 लोगों ने काम किया, फिर उसने हिसाब लगाया कि अच्छा मेरा काम तो 64 लोगों में हो जाएगा, है ना, तो 120 में से 64 रख लेता हूँ, 56 हटा देता हूँ, तो दैट इज डिस्चार्ज या ले ऑफ। तो ये काफी इजी होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के क्वेश्चन, बस आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इसके बेसिस पे आप कई क्वेश्चन कर सकते हो, इसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे और भी कई एक दो टाइप के क्वेश्चन हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दोस। ये है 10 वुमेन ओके कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज, 10 चिल्ड्रन 14 दिन लेते हैं, तो 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन ऐसे कितने दिन लेंगे? ओके सी, अब ये भी M1 D1 के हिसाब से होता है, ठीक है, जैसे इट्स लाइक 10 वुमेन है, ये 7 डेज है, ऐसा होता है ना, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, तो 10 वुमेन हुई 10 × W और डेज हुए 7, दैट शुड बी इक्वल टू, अब यहाँ पे 10 चिल्ड्रन है तो 10 चिल्ड्रन को सी ले लेते हैं, × D2 कितना हुआ 14, इससे आप W अपॉन सी का रेशियो निकाल सकते हो। अब ये W अपॉन सी का रेशियो क्या है ये मैं बता देता हूँ, ठीक है, लेट्स अज्यूम ये है क्या चीज, ये हमने क्या किया, ये हमने टोटल वर्क को इक्वल किया, बेसिकली मान लो देखो एक वुमेन रोज W चॉकलेट खाती है, सपोज ये वुमेन है W खाती है, तो 10 वुमेन कितनी चॉकलेट खाएंगी रोज, 10 × W, 1 डे वर्क हो गया ना ये सारी वुमेन का, अब 1 डे वर्क अगर 10 W हुआ तो 7 दिन में कितना काम होगा, 7 × ये लिखा है, एक एक वुमेन का 1 दिन का काम W हुआ, 10 वुमेन का काम 10 × W हुआ, 7 दिन का इन सब का काम 10 W × 7 हुआ, दिस इज टोटल वर्क, राइट। अब यही टोटल वर्क अगर चिल्ड्रन से करते हैं, लेट्स अज्यूम एक बच्चा, एक चाइल्ड जो है वो सी चॉकलेट रोज खाते हैं, तो अपने पास 10 बच्चे हैं तो वो कितने खाएंगे, 10 × C चॉकलेट, तो बेसिकली रोज की 10 × C खत्म होंगी। अब 14 दिन तक अगर ये काम करते रहेंगे तो 14 काम होगा, क्योंकि 14 दिन में 14 टाइम्स ऑब्वियसली, 1 दिन का काम 14 कर दोगे तो 14 दिन का काम होगा, एंड दिस टोटल वर्क शुड बी सेम, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम वर्क, कि एक काम को 10 वुमेन 7 दिन में करती हैं, तो उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में करते हैं, तो वी कैन इक्वेट दिस, क्योंकि ये टोटल वर्क है, तो आप इसे इक्वेट करोगे देन यू कैन फाइंड W/C का रेशियो, को ऐसा भी ले लो एक ही बात है, राइट, 7 से काटू 14 पे 2, 10 से काटू, ये W/C इज इक्वल टू 2/1, इसका मतलब है W के सामने 2 है, C के सामने 1 है, ये इनकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी क्या होता था, एफिशिएंसी होता था 1 डे वर्क, आपको याद हो 1 डे वर्क मतलब 1 दिन का काम, दैट इज एफिशिएंसी, तो वुमेन जो है वो 1 दिन में 2 चॉकलेट खाती है और बच्चा 1 दिन में 1 खाता है, तो पहला स्टेप है आप M1 D1 करके W/C का रेशियो निकाल लो, वुमेन और चाइल्ड का रेशियो।
अब दूसरा काम क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। अब टोटल वर्क कैसे निकालोगे, आपको गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो है ये भी टोटल वर्क है, राइट हैंड साइड पे ये जो है ये भी टोटल ही वर्क है, तभी हमने इस टोटल वर्क को इक्वेट किया था। अब आप कोई सी भी साइड ले लो, ठीक है मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो टोटल वर्क विल बी 10 × W × 7, और W की वैल्यू क्या है 2, बिकॉज W एफिशिएंसी है वुमेन की। अगर एक वुमेन रोज 2 चॉकलेट खाएगी तो 10 वुमेन 10 × 2 रोज 20 खाएंगी, और 7 दिन में तो टोटल वर्क हैज टू बी 140 चॉकलेट्स का सपोज टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क आ जाएगा। पहले M1D1 = M2D2 किया, उससे वुमेन अपॉन चाइल्ड की एफिशिएंसी आ गई, वुमेन की चाइल्ड की उनका रेशियो आ जाएगा, वही आप एफिशिएंसी ले लो, दैट विल सर्व योर पर्पस। सेकेंड पार्ट है कि टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क कोई सा भी लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में किसी में भी W की या C की वैल्यू डाल दो, टोटल वर्क आ जाएगा। अगर आप राइट हैंड साइड में डालते, जैसे ये वाला पार्ट ले लो, सेम है 10 × C × 14, तो भी ये भी सेम बात है, C कितना है, C की एफिशिएंसी 1 है, तो 10 × 1 × 14 कितना होता है, ये भी तो 140 चॉकलेट्स ही हुआ, ठीक है तो टोटल वर्क विल बी सेम। तो अब क्वेश्चन ये है कि 5 वुमेन और 10 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो 5 वुमेन + 10 बच्चे, अब टोटल वर्क मेरे को पता है, इनका अगर 1 डे वर्क निकाल लूं तो मेरा टाइम होगा टोटल वर्क विच इज 140 अपॉन इनका 1 डे वर्क। इनका 1 डे वर्क कितना है, 5 वुमेन है, एक वुमेन कितनी खाती है 2, तो 5 कितनी खाएंगी, 5 × 2 यानी 10, ठीक है, और एक बच्चा खाता है 1 चॉकलेट, तो 10 बच्चे खाएंगे 10 × 1, और ये लोग मिलकर कितनी खाएंगे, 5 × 10, 10 + 10 = 20, तो टोटल 20 चॉकलेट खाएंगे 5 बंदे, 5 वुमेन और 10 बच्चे मिलकर रोज की, 140 खाने में टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क 20, सो विच कम्स आउट टू बी 7 डेज, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऐसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हो M1D1 = M2D2 के तरीके से, या फिर आप ये टोटल वर्क के हिसाब से। ये क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यू शुड ट्राई इट मल्टीपल टाइम्स ताकि आप इनको कर सको ढंग से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, अब ये देखिए, ये है 6 men, ओके 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, फाइन। इसमें क्या हो रहा है, मिलकर काम हो रहा है, 6 men है और 8 boys है, ये मिलकर 10 दिन में काम करते हैं, जबकि 26 men और 48 boys मिलकर इसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है कि 15 men और 20 boys कितने दिन में करेंगे, राइट। ये भी सेम ही है, बट इसमें कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब हम पीछे देख रहे थे कि हमारे पास था कि वुमेन 7 वुमेन या 10 वुमेन 7 दिन में करती है, इतने बच्चे इतने में, उसमें कॉम्बिनेशन नहीं था कि वुमेन प्लस चाइल्ड का दे रखा हो, पूछा था, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हम एक आदमी की एम चॉकलेट की एफिशिएंसी मान लेते हैं, लेट सपोज एक आदमी एम चॉकलेट खाता है और एक बच्चा बी खाता है रोज की, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई, मतलब एक दिन का काम हो गया, तो 6 आदमी क्या करेंगे, 6 × M चॉकलेट खाएंगे, और 8 बॉयज कितनी खाएंगे, 8 × B खाएंगे, ये दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे, बिकॉज 6 men 6 M और 8 बॉयज 8 × B, ये एक दिन का काम हो गया। अब टोटल काम होता है इनसे 10 दिन में, तो 1 day work × 10, दिस इज आर टोटल वर्क, ये टोटल वर्क होगा फर्स्ट केस से। और दूसरे केस से टोटल वर्क क्या होगा, 26 men है तो 26 × M चॉकलेट ये रोज खाएंगे, 48 बॉयज हैं तो 48 × B ये रोज खाएंगे, और दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे रोज का, ठीक है, और ये दोनों ये सारे मिलके 26 men और 48 बॉयज 2 दिन में टोटल वर्क करते हैं ना, तो × 2 हो जाएगा, दैट इज अगेन आर टोटल वर्क। अब क्योंकि दोनों ही टोटल वर्क हैं, दे शुड बी इक्वल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेम वर्क, हम वर्क को इक्वल करते हैं, बस इसमें कुछ भी नहीं करना, इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये 60M + 80B = 52M + 48 = 96B, M/B मेन अपॉन बॉयज का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे, इसको इधर ले आओ उसको इधर ले जाओ, ठीक है, तो दिस विल बिकम 60M - 52M = 96B - 80B।
बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे, जब ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस का, और प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। 60 m में से 52 m गए तो 8 m बचा, दैट इज इक्वल टू 96 में से 80 गया तो 16 b बचा। अगर इसे फर्दर काटेंगे तो ये 2 पे कटेगा, सो इट इज m इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b। तो m अपॉन b कितना हो गया, 2/1। का मतलब है m के सामने 2 है, का मतलब है अगर आदमी दो चॉकलेट खाता है तो बॉय एक चॉकलेट खाता है। ये हमारा एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी का मतलब है वन डे वर्क आ गया ना इन दोनों का, आदमी दो चॉकलेट खाता है रोज और बच्चा एक चॉकलेट खाता है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो पहले किया था। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया, इससे एफिशिएंसी आ गई। दूसरा क्या होता है, टोटल वर्क निकालना। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे दोनों ही टोटल वर्क है। मैं लेफ्ट हैंड ले लेता हूँ क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टोटल वर्क था 10 × 6m + 8b। अब 10 की 10, m की जगह 2 डाल दो क्योंकि आदमी 2 खाता है और बच्चा 1 खाता है, तो 6 × 2, एक आदमी 2 खाएगा तो 6 बच्चे 12 खाएंगे ना, 6 × 2 प्लस एक बच्चा 1 खाता है तो 8, 8 × 1 खाएंगे, तो दिस टोटल कम्स आउट टू बी 6 to the 12 प्लस 8 is 20 × 10, 200 चॉकलेट का मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 200 टोटल मेरी चॉकलेट हो गई, यहाँ से टोटल वर्क आ गया। बस अब कुछ भी नहीं करना, लास्ट स्टेप में तो यही है, वही सेम चीज की, आपके पास 15 आदमी हैं और 20 बॉयज हैं, ठीक है, 15 आदमी और 20 बॉयज, ये कितने दिन में ये काम करेंगे। अब इनका वन डे वर्क देख लेते हैं, बिकॉज टाइम होगा टोटल वर्क विच इज 200 अपॉन इनका वन डे वर्क। इनका वन डे वर्क कितना है, 15 m है प्लस 20 बॉयज है। देखो 15, एक आदमी दो चॉकलेट खाता है ना, हमने एफिशिएंसी देखी थी, तो m × 2 30 + 20 × 1, दिस कम्स आउट टू बी 30 ये खा लेंगे, 20 ये, तो रोज की 50 चॉकलेट खाई जाएंगी। 200 खाने में 200 बाय 50, 5 × 4 = 20, यानी 4 days लगेंगे। सो विच इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर आंसर। तो ये कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं विच आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू कैन इजीली डू दीज क्वेश्चंस। ये टाइम एंड वर्क काफी इजी चैप्टर है, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से करो, सेम क्वेश्चंस को 3-4 बार सॉल्व करोगे, यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन पेपर। स्पीड, एक्यूरेसी, इसमें सब कुछ काफी फास्ट आता है, ठीक है। तो ये मेजर टाइप के क्वेश्चंस थे, आप इनको ट्राई करिए कि 6 men और 8 boys के कॉम्बिनेशन से 10 दिन में काम हो रहा है, 26 men 48 boys से 2 दिन में हो रहा है, तो 15 men और 20 boys कितने दिन में करेंगे। इफ यू सॉल्व इट रिलीजियसली रेगुलरली तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दीज आर फ्यू ऑफ द वेरी इजी चैप्टर्स गाइस, ओके, सो कीप ट्राइंग दीज क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम वेरी इजीली।